लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही एनडीए बिखरता दिखाई दे रहा है। एनडीए से लगातार खटपट की खबरें सामने आती रही हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल के बयान ने एक बार फिर ये बता दिया है कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। जेडीयू विधायक का बयान चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने अपनी सहयोगी बीजेपी पर ही हमला बोल दिया है। तो क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार इस बार बैसाखियों पर है। बिहार में नीतीश कुमार और आंध्र में चंद्रबाबू नायडू के चलते नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन पाए हैं। ऐसे में बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी अपनी बातें मनवाने के लिए बीजेपी पर दबाव डाल रहे हैं, जिसके बाद से एनडीए में टकराव की स्थिति दिखाई दे रही है। ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपनी सहयोगी बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, बीजेपी नेता गिरिराज सिंह बकबक करते हैं, अश्विनी चौबे का दिमाग खिसक गया है, इसलिए वो बीजेपी को अपने दम पर बिहार में चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं। इस बयान के बाद बिहार में एनडीए गठबंधन में टकराव साफ नजर आ रहा है। जेडीयू विधायक के बयान ने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन और पीएम नरेंद्र मोदी ने तय कर लिया है कि बिहार में नीतीश कुमार को आगे रखकर ही विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, जबकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि बीजेपी अपने दम पर बिहार में चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा, अश्विनी चौबे सब क्या हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी के नेतृत्व में लड़ना चाहिए, बीजेपी की बिहार में क्या पहचान है, चौबे जी बकबक कर रहे हैं, वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़े तभी वोट आया है, चौबे जी राज्यपाल नहीं बनेंगे, जहां का गवर्नर बनाया जाएगा वहां की कहानी ही खत्म हो जाएगी, अगर नीतीश कुमार को साइडलाइन करेंगे तो वोट भी चला जाएगा। इसके साथ ही गोपाल मंडल ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को महान नेता बताया। उन्होंने कहा कि लालू मसीहा हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।